दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे हॉरर संडे के एपिसोड नंबर 1 द लव ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ताकि आपको आगे भी हर संडे हमारी आई एक न्यू हॉरर स्टोरी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। ये कहानी बचपन में मुझे मेरी मम्मी सुनाया करती थी, जिसे सुनकर उस समय मेरा दिल डर के मारे दहल उठता था। जब मैं उनसे पूछता कि क्या ये सच है, तो वो हमेशा से एक डरावनी सी आवाज में बोलती हाँ, जिसे सुनकर उस समय मैं और डर जाता। तो ये कहानी की शुरुआत होती है मेरी मम्मी के गांव से, जो कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आता है। यूँ तो हम लोगों ने वेस्ट बंगाल के बारे में ऑलरेडी काफी हॉरर चीजें सुनी है, लेकिन जो वहाँ पर रहते हैं वो ये चीजें ऑलरेडी ही जानते हैं कि वहाँ पैरानॉर्मल चीजें होना आम बात है, और 1990 से 1995 के बीच तो ये और भी ज्यादा आम बात थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1991 से, जब मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। वैसे तो मेरे नाना जी के बारे में और भी कई सारी बातें बताई जाती थी कि उन्हें कभी भी किसी बुरी शक्ति से कभी डर नहीं लगता था, और उन्होंने कई बार भूतों से बात की थी। लेकिन अब जैसा कि उनकी डेथ हो गई थी और अपने किसी परिवार वाले के मरने पर हर कोई अपने घर जाता है, वैसे ही मेरी मम्मी भी अपने घर जाना चाहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि मेरी मम्मी अपने घर की सबसे बड़ी थी और अपने पिता के मौत से उन्हें भी काफी झटका लगा था और वो अपने पिता को आखिरी बार देखना चाहती थी। पर उस समय मेरी मम्मी दिल्ली से अपने गाँव नहीं जा सकी, क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और कुछ ही मंथ बाद उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो उस समय मेरे नाना को मेरे बाकी सब मामा और मौसी लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। और जैसा कि हम सभी को पता है कि गांव साइड किसी को भी शमशान काफी कम ही ले जाया जाता है और उसे उसके खेत में ही कहीं पर जलाया जाता है, तो उसी तरीके से मेरे नाना को भी उनके खेत में ही जलाया गया था। और फिर कुछ ही मंथ्स बाद मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, और जब मेरी बहन 4 साल की हुई तब हमारी पूरी फैमिली मतलब मेरी मम्मी पापा और बहन कोलकाता गए और मेरी मम्मी के गांव में। और जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि अपने पिता के मरने के बाद मम्मी पहली बार अपने घर गई थी और वहां जाकर उन्हें अपने पिता की काफी याद भी आ रही थी। दोस्तों यहां पे आप लोगों ने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि हमारे पूर्वज मरने के बाद भी हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं होते हैं, और हर घर में कोई ना कोई ऐसा पेड़ तो होता ही है जिसे कि माना जाता है कि हमारे पूर्वज वहां पर रहते हैं। तो ठीक वैसा ही पेड़ मेरी नानी के घर पे भी था, जो कि आज भी है। मेरी मम्मी बार बार उस पेड़ को देखती जाती और अपने पिता को याद करती रहती। और जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि मेरे नाना के मरने के बाद पहली बार मम्मी अपने गांव गई थी, मतलब मेरी बहन भी पहली बार ही गांव गई थी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बचपन में बच्चे कितने शरारती होते हैं, वैसे ही मेरी बहन भी थी, और वहाँ के खुले मिले वातावरण में तो वो खूब मस्ती करती रहती थी। लेकिन अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक दिन रात को जब सोने से पहले मेरी मम्मी मेरी बहन को दूसरे कमरे से सोने के लिए बुलाने जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि मेरी बहन उस कमरे में अकेले बैठ हाथ में खिलौना लिए कुछ बोल रही है, मानो जैसे किसी से बात कर रही हो, मानो जैसे कोई सामने बैठा हो। यह चीज देखकर शुरुआत में मेरी मम्मी को थोड़ा अजीब तो जरूर लगा, बट उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। उन्हें लगा कि उस समय भी मेरी बहन कोई ना कोई शरारत कर रही होगी। लेकिन जब कुछ दिन और जाने लगे तो और भी कई सारी अजीबोगरीब चीजें होने लगी, जैसे कि शरीर से अलग तरीके की महक आना, ऐसी महक जो कि आम तौर पर किसी मछुआरे से आती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे नाना जी की मछली की दुकान थी, और फिर मेरी बहन जो कि इतनी शरारती थी वो अचानक से शांत रहने लग गई थी, और एक रात तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी मम्मी का भी दिल डर के मारे दहल उठा। उन्होंने देखा कि मेरी बहन घर के कोने में अकेले बैठकर खुद से ही कुछ बड़बड़ाए जा रही है, और उसके बाल पूरे खुले हुए थे। मम्मी ने जब गौर से उसकी बातें सुनी तो उसे सुनकर वो बिल्कुल हिल गई, क्योंकि वो धीरे से बंगाली में बोल रही थी, जिसका मतलब था कि खुकू डर मत अंदर आ जा।
ये नाम सुनते ही मेरी मम्मी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि इस नाम से उनके पापा उन्हें बचपन में बुलाया करते थे। जिसके बाद मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए मेरी नानी को ये सारी बातें बताई। जिसके बाद मेरी नानी ने गांव के एक तांत्रिक को घर पे बुलाया। तांत्रिक मेरी बहन को देखते ही समझ गया था कि उसे क्या हुआ है। उसने तुरंत ही कुछ झाड़ फूक करनी शुरू कर दी और फिर अपने झोले से दो तावीज निकाल कर एक मेरी मम्मी और एक मेरी बहन को पहना दी और कहा कि जब तक यहाँ रहो तब तक इसे मत उतारना। और फिर उस पेड़ पर भी कुछ धागे बांध दिए और बोला कि ये धागे कभी भी नहीं खुलने चाहिए। जब उनसे ये बात पूछी गई कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस तांत्रिक ने कहा कि जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कोई भी बड़ा बूढ़ा अपने पोते पोतियों से बहुत ही प्यार करते हैं, वैसे ही मेरे नाना जी भी बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन मेरी बहन उनके मरने के बाद पैदा हुई थी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मेरी मम्मी अपने घर की सबसे बड़ी थी, यानी मेरी दीदी उस घर की पहली बच्ची थी। और जब मेरी मम्मी और दीदी गांव आई और उन्होंने उन दोनों को देखा तो उन्हें उनसे बात करने की इच्छा हुई, जिस वजह से उन्होंने मेरी बहन को अपने वश में कर लिया था। पर उनका कोई भी खतरा पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं था, वो बस एक बार अपनी पोती के साथ खेलना चाहते थे और अपनी बेटी के साथ बात करना चाहते थे। और साथ ही तांत्रिक ने उन्हें बोला कि अब डरने की कोई भी बात नहीं है, अब से वो आप लोगों को कभी भी तंग नहीं करेंगे। उनका बस एक बार बात करने का मकसद था, जो कि अब पूरा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद तो साफ जाहिर होता है कि आत्माएं केवल बुरी नहीं होती, पर हमारे माता पिता और बुजुर्ग मरने के बाद भी हमारा कभी बुरा नहीं सोचते। बाकी आपका इसको लेकर क्या कहना है, ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें हमारे मेल आईडी horrorsunday03@gmail.com पर मेल कर जरूर बताएं। और अगर हमें आपकी कहानी अच्छी लगे तो हम उसे अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे भी ऐसे ही तमाम हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हॉरर संडे को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको आगे भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।